नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है फलाहारी मखाना की टिक्की। सबसे पहले 2 कप मखाना लीजिए और उसको 2 कप पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद भीगे हुए मखानों को छान लें। एक बड़ा बाउल लीजिए, उसमें उबले हुए 4 आलुओं को मसल लें या कस लें। अब इसी में जो भीगा हुआ मखाना था उसे डालिए। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। अब इसमें डालिए 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर। अब हाथ से मखानों को मसलते हुए अच्छे से मिला लीजिए इन सब चीज़ों को। बांधने के लिए इसमें एक बाइंडिंग लाने के लिए 2 टेबलस्पून कुट्टू का आटा डालिए और अच्छे से मिला लीजिए। नींबू के बराबर का मिश्रण लें और उसे घुमाते हुए गोलाकार दे दें। अब एक गोला लें और हाथ से दबाते हुए टिक्की का आकार दें और बीच से थोड़ा ज़्यादा दबा दीजिए। जो बीच में जहाँ दबाया है वहाँ एक आधा काजू का टुकड़ा और एक आधा किशमिश का टुकड़ा रख दीजिए और सब तरफ से इकट्ठा करके बंद कर दें और फिर से गोला बना लें। हथेली से दबाकर फिर से इसे टिक्की के आकार दे दीजिए। इसी प्रकार सारे मिश्रण, सारी गोलियों का टिक्कियाँ बना लीजिए। अब एक फ्राइंग पैन में 4 टेबलस्पून तेल गरम करिए और थोड़ी थोड़ी करके सब टिक्कियों को सेक लीजिए। दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक इनको सेकिए। जब सारी टिक्कियां सिक जाएं तो इन्हें आप गरम गरम परोसिए फलाहारी चटनी, दही या चाय के साथ। यदि रेसिपी अच्छी लगी तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई रेसिपीज मिलती रहें। धन्यवाद।